यूं तो प्रदेश की सरकार अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाहियों को अंजाम दे रही है। पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ दबंगों पर शिकंजा कस रहा है, लेकिन इसके बाद भी कुछ दबंग किस्म के लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल आगरा की बाह तहसील के ग्राम सिधावली के जाटवपुरा के रहने वाले नरेंद्र पुत्र मूंगाराम का आरोप है कि बीते दिनों गाँव के कुछ दबंग लोगों ने उनकी भतीजी की हत्या कर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। पीड़ितों का आरोप है कि 24/11/2022 को वह अपनी भतीजी को घर पर अकेला छोड़कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाह पर गए हुए थे। शाम के लगभग 4 बजे जब वे घर लौटे तो देखा कि भतीजी फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। उक्त मामले की फौरन 112 नंबर पर सूचना दी गई तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, जिसके बाद पुलिस ने आत्महत्या का मामला करार कर मामले को रफा दफा कर दिया। जबकि पीड़ित ने गांव के टिल्लू, सुनील, विनोद, सचिन, राजकुमार पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित के भतीजे को भी ये दबंग जान से मारने का प्रयास कर चुके हैं। उस समय गांव के लोगों ने राजीनामा कर मामले को शांत करा दिया। वहीं पीड़ित का आरोप है कि अब पुलिस इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, क्योंकि यह दबंग किस्म के लोग हैं। पीड़ित का कहना है कि गांव के ही कुछ लोगों ने इन दबंगों को घर की कुंडी लगाते देखा था, लेकिन कोई गवाही देने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये दबंग किस्म के लोग हैं। वहीं शिकायत करने पर राजकुमार धमकी देता है, क्योंकि उसके पिता थाने में चौकीदार के पद पर तैनात हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या दबंगों के हौसले इसी तरह बुलंद होते रहेंगे? क्या गरीब मजदूर पीड़ितों की कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी? क्या इसी तरह से बेटियों की हत्याओं को अंजाम देकर दबंग बेखौफ घूमते रहेंगे? फिलहाल पीड़ित नरेंद्र ने कार्यवाही की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें न्याय मिले, क्योंकि दबंग अब उनके परिवार को भी नुकसान पहुंचाने की धमकियां दे रहे हैं। नारे भी लोगों ने पैसा बात है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।